आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि कई महीनों के बाद जो 13 फरवरी का जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से इविक्शंस को लेकर, बेदखली को लेकर, आज सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ऐसे लगता है कि उम्मीद की किरण हमारे बीच में जलाई है। 19 या 20 इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल हुए हैं जिसमें हमारा भी है, जिसमें सुकालो गो, निवादा राणा, वंजन श्रमजीवी यूनियन और CJP साथ में मिलकर एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाले हैं। कोर्ट ने पूरे के पूरे 19 या 20 जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वो कबूल किए हैं और लिखित जो हमारे दलील रहेंगे उनको कोर्ट अलग अलग मुद्दे पे सुनेगी। बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि हमें ये दिखाई दिया आज कोर्ट में कि सरकार और आदिवासी मंत्रालय भी आदिवासियों के पक्ष में अभी बात रखने वाली है। और आखिरी बात जो मूल ये केस का मुद्दा था कि हमारा कानून फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 संवैधानिक है, हमारे वसूलों के को लेकर ये बना है, हमारे संघर्ष को लेकर ये बना है, उसी पे ये दलील होगी और ये डाइवर्जन जो हुआ है कई महीनों से उस पे शायद अभी नहीं होगी। अगली तारीख 26 नवंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान का डे है, जब संविधान जब अपने आप को मिला था तो हम उम्मीद रखते हैं कि उस दिन में इतिहास वापस एक बार पक्का हो जाए। मैं निवादा राणा लखीमपुर खीरी से, हमने याचिका डाली जो जमीनी स्तर पर वन विभाग शासन प्रशासन को साथ लेकर हमें रोज दिन पीड़ा करती है और उस पीड़ा को सहते सहते हमने याचिका डाली है और हमें उम्मीद है हम जीतेंगे। मैं रोमा, ऑल इंडिया यूनियन ऑफ फॉरेस्ट वर्किंग पीपल। आज मैं कोर्ट रूम के अंदर थी और वहाँ मैंने देखा कि जो पेटिशनर्स थे वाइल्ड लाइफ फर्स्ट, वो उनके वज़न बहुत जो है कम हो गया और जो इंटरवीनिंग एप्लीकेशन जो थे उनके वज़न बहुत भारी हो गए। आखिरी में जो है वो लोग बहुत दर्द दिखा रहे थे कि अगर ये एविक्शन नहीं होंगे, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी पेश किया और बोला कि ये एविक्शन नहीं होंगे तो जंगलों को बहुत नुकसान होगा, जंगल बहुत खाली हो रहे, जंगलों का भारी नुकसान हो रहा है। तो जज साहब ने कहा जंगल के अंदर तो होटल रेस्टोरेंट और वो भी हैं, उनको भी हटाया जाना चाहिए। तो इस पर एक बहुत आखिरी नोट पर बात ख़त्म हुई और ये बात बिल्कुल स्पष्ट आई कि ये जो बेदखली के ऊपर जो मामला था वो अब हटकर जो है अब वही जो असली जो याचिका थी कि इसकी संवैधानिक वैधता क्या होगी, इस पर मामला आ गया है और ये तो तय हो गया कि बेदखली पर अभी ये इस कोर्ट से कुछ उस तरह का आने वाला ऑर्डर नहीं है। वो भी समझ रहे हैं कोर्ट के अंदर एक दबाव भी है और वज़न बहुत भारी था। जो सुनवाइयाँ थी, जो अंतरिम याचिकाओं की सुनवाइयाँ हैं, वो कोर्ट ने कबूल किया है कि हम सुनेंगे और सब जो हैं उस को सुनने के लिए उन्होंने तारीख भी दी है और यहाँ तक कि अपना सर्वे ऑफ इंडिया जो है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मांग रहे हैं 16 साल के हमको डेटा करना की ज़रूरत है, उसके लिए हमें फंड्स इस्तेमाल की करने कोई फ़ंड नहीं है, हम कैंपा का फ़ंड इस्तेमाल करेंगे। तो दाएं बाएं करके दुनिया भर की बातें कर रहे थे लेकिन हमारे वकीलों ने, हमारे जो वकील हैं अपर्णा भट्ट जी, कॉलिन गुंजालविस, संजय पारिक जी ने बहुत ही मजबूती के साथ जो है अब लड़ाई लड़ी और वहाँ पर तमाम इंटरवीनिंग एप्लीकेशनों के नंबर दिए गए और उन्होंने बात को वज़नदार तरीके से रखा कि जो है ये बेदखली होना और बहुत ही एक बहुत बड़ी अन्याय होगा और हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात कोर्ट में कही गई हमारे वकीलों द्वारा कि ये कानूनी हिस्टोरिकल इनजस्टिस के ऊपर है, इसके ऊपर बकायदा सुनवाई होनी चाहिए नहीं तो बहुत ही बड़ा एक जो है कहर इस देश में हो सकता है। तो कोर्ट का रवैया बहुत ही पॉजिटिव था, आज हमको ये महसूस हुआ। Thank you.